के किराड़े में रहने वाले युवक की शाहबाद डेरी थाना इलाके में सड़क हादसे में मौत हो गई। दिल्ली में ट्रैक्टर ट्रॉली प्रतिबंधित है, बावजूद इसके बेलगाम ट्रैक्टर ट्रॉली कंस्ट्रक्शन का सामान ढोते हुए हर इलाके में मिल जाते हैं, जिसके बाद ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर में युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार पंकज किसी काम से कहीं जा रहा था, उसी दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली से बाइक की टक्कर हो गई, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसकी सूचना पुलिस को दी, पंकज को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौके पर पहुंचे परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि समय रहते उनको सूचना नहीं दी गई। काम जी कराले में करता था, फाइबर का काम था उसका, तो वो कंपनी जैसे काम से ही वो गया हुआ था, तो बाइक से एक्सीडेंट हुआ उसका। किस से हुआ? ट्रैक्टर ट्रॉली से जी। कहाँ पर? ये कराले साइड में ही, वहाँ से कंपनी से निकला था, कंफर्म हमें भी नहीं पता कहाँ है, मगर उसी रोड पे ही हुआ था, कराले पे। आपको कैसे जानकारी मिली? ये मेरे को किसी जैसे कंपनी से ही फोन आया था कि आपके भाई का एक्सीडेंट हुआ है, तो मैं अग्रसेन अस्पताल में आया। चचेरा भाई? हाँ, मेरा चचेरा भाई है वो, तो अग्रसेन अस्पताल में आया मैं, तो मैं वहाँ पे आया जब तक उसकी डेथ हो चुकी थी। और माँ बाप का इकलौता बेटा था और उनकी कमाई का सिर्फ एकमात्र यही जरिया था, लेकिन कल उसका दुखद एक्सीडेंट हुआ। पुलिस की लापरवाही रही कि 3 घंटे उसको इधर से उधर घुमाते रहे, और अंत में जाकर के महर्षि वाल्मीकि अस्पताल में उसको भर्ती कराया, जहाँ जाकर उसकी मृत्यु हो गई। हम लोगों की सबकी एक ही मांग है कि पुलिस की लापरवाही और फैक्ट्री मालिक का सौतेला व्यवहार, इसके प्रति हम लोगों को बात कराई जाए और परिवार को उचित फौरी मदद दी जाए, क्योंकि वो अकेला कमाने वाला था, माँ बाप का 2 बहन उसके साथ हैं, तो परिवार को संतावना दे और परिवार को बिल्कुल फौरी तौर पर राहत दी जाए।